ओके, सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आपके शो के लिए। थैंक यू सो मच। काफी बहुत अच्छा है टीजर और मुझे तो बहुत पसंद आया। प्रतिज्ञा क्या करने वाली है अपने शो में? प्रतिज्ञा टू। प्रतिज्ञा वही करेगी जो हमेशा से करती आई है। वो एज सच टू से इट सो क्रूडली, वो लोगों के तरीके को सुधारती है, सही तरीका हमेशा हाईलाइट करने की कोशिश करती है। तो वो वही करेगी, वो सीधे सही रास्ते पर चलेगी और लोगों को सीधा और सही रास्ता दिखाएगी भी अपने परिवार को। तो वो सच का साथ हमेशा से देती है और वही करेगी आगे भी। कृष्णा क्या करने वाला है? कृष्णा कितना साथ देगा प्रतिज्ञा का? बस वही जो अभी प्रतिज्ञा ने कहा, वो जो जो करने वाली कृष्णा वही पीछे पीछे करता ही रहेगा, क्योंकि कृष्णा के लिए सब कुछ प्रतिज्ञा ही है। तो अगर और आई गेस उसी रीज़न से कृष्णा भी अभी काफ़ी चेंज हो गया, बिकॉज प्रतिज्ञा ऑलवेज वांटेड कि कृष्णा और इसकी फैमिली बदल जाए। तो अभी नए सीज़न में देखने को मिलेगा कि वो थोड़े बदल गए हैं और थोड़े शरीफ हो गए हैं। जो प्रतिज्ञा ने इतने इनपुट्स डाले हैं, इतनी मेहनत करी है इस फैमिली के ऊपर, तो वही वो जो चीज़ें प्रतिज्ञा ने करी हैं और सिखाई हैं, वो सब चेंजेस जो हैं वो देखने को मिलेंगे, तो वो कृष्णा करेगा। पोस्टर में आप एडवोकेट की पूरी तरह से दिख रही है, तो कितना आपने, क्या होने वाला है, कोई केस आप लड़ने वाली है शो के लिए, जो लैंडमार्क जजमेंट होगा? क्या 9 सालों के अंदर काफ़ी नए नए सोसाइटी में काफ़ी चेंजेस आई है, क्या ये सभी चेंजेस हम देखने मिलेंगे शो के अंदर? अब इस सवाल का मैं जवाब दूंगी तो आपको स्टोरी का, शो का प्लॉट पता चल जाएगा। आई वुड लाइक टू से दैट येस, अ लॉट ऑफ व्हाट यू हैव सेड इज गोइंग टू बी, इट इज़ गोइंग टू बी अराउंड दैट। तो यस, प्रतिज्ञा पहले भी लॉयर थी सीजन 1 में और उसी का एक्सटेंशन आपको इस सीजन में भी देखने को मिलेगा। नंबर 1 लॉयर है। तो एंड क्या, क्यों, कैसे, कब, ये सब आपको देखने को मिलेगा, विच इज़ व्हाई द स्टोरी विल प्रोग्रेस द वे इट इज़ गोइंग टू। कृष्णा आप अभी जिम्मेदार बन चुके हैं, क्योंकि बच्चे भी हो चुके हैं, कितना आप काम करते हुए दिखाई देंगे या फिर से मतलब प्रतिज्ञा को बोलना पड़ेगा काम पे जाइए, काम पे जाइए? काम का तो आई एम नॉट श्योर, क्योंकि फैमिली बिजनेस है, तो वो फैमिली बिजनेस ही होगा और वही चल रहा होगा। तो आई थिंक ऐसा कुछ बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो खानदानी बिजनेस उनके चलते हुए आ रहे हैं, नॉट द इलीगल वंस, जो साफ़ सुथरे बिजनेस हैं, जो प्रतिज्ञा अलाउ करेगी कि हाँ ये कर सकते हैं, वो सब तो करेगा ही। और बाकी तो रिस्पॉन्सिबल, तो आई गेस इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द किड्स, तो आई थिंक वो नेचुरली एक फादर अपने किड्स के लिए जितना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेता है वही कृष्णा भी करेगा। एंड सिंस इट्स कृष्णा, तो हो सकता है वो ज़्यादा ही कर दे, कम तो नहीं होगा, क्योंकि हर चीज़ थोड़ी सी बीट रोमांस, बीट फाइट, बीट एंगर, सब कुछ थोड़ा ज़्यादा ही रखता है, तो आई थिंक वो पार्ट भी थोड़ा ज़्यादा ही होने वाला है। सज्जन जी बंदूक रखे हुए हैं पोस्टर पर, तो बंदूक में क्या करने वाले, हुड़ंग मचाएंगे या आप लोग कुछ करने वाले हो बंदूक से? सज्जन जी की बंदूक क्या करने वाली है शो में? बंदूक तो आई गेस इस शो से, बंदूक एंड ऑल दिस, ये हमेशा से एसोसिएटेड ही रहे हैं सारी चीज़ें। और अभी वो तो एक बेसिक, एक बेस एलिमेंट है शो का, वो तो हट नहीं सकता। लेकिन वो बंदूकें अभी हैं या वो बाद में उठाई जाएंगी या वो किस रीज़न से उठाई जाएंगी, वो प्रतिज्ञा के लिए या प्रतिज्ञा के खिलाफ उठाई जाएंगी, वो सब चीज़ें जो हैं वो शो में ही पता चलेंगी। एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आपका एजुकेशन को लेके कितना फोकस होगा एजुकेशन को लेके ये शो में, कि एजुकेशन काफ़ी वीकनेस है अगर हम देखें तो, काफ़ी बच्चों को जॉब नहीं मिल पाते हैं अच्छे, तो क्या कहना चाहिए इसको? सी, एज आई ऑलवेज मेंटेन, दिस शो इज हैज़ ऑलवेज बीन वेरी रेलिवेंट विथ टाइम रिगार्डिंग द सोशल इशूज दैट इट रिप्रेजेंट्स। तो जैसे ही आपका सवाल है, देर आर सर्टन टॉपिक्स विच आर रेलिवेंट इन टूडेज सोशल कंडीशंस, तो विच इज़ एजुकेशन इज़ वन ऑफ दोज टॉपिक्स, एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ सीन्स एंड ट्रैक्स विच सराउंड दैट। लॉकडाउन में काफ़ी पसंद किया गया, शो भी टेलीकास्ट किया गया शाम के वक्त 6 बजे के समय में, तो किस तरह का रिस्पॉन्स मिला फिर से, क्योंकि एक जनरेशन, एक डेकेड का गैप रहा, तो किस तरह का रिस्पॉन्स मिला
शो को लेके आपको फोन आए रहे कई जनों का, क्या क्या मैं देख रही थी शो और मुझे बहुत ही फ्रेश फील हो रहा था. मुझे ऐसा लग रहा था इट वॉज़ अ वेरी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस क्वाइट लिटरली, बिकॉज आई एम सीइंग माई सेल्फ. जो मैंने काम 10 साल पहले किया है, 12 साल पहले किया है, एंड सो इट वॉज़ weird yet very pleasant and very overwhelming. और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स. आई यूज़ टू गेट मैसेजेस फ्रॉम फैंस. वो तो आते ही रहते हैं, उनके DMs में रीड करती रहती हूँ, बट फ्रॉम फैमिली, फ्रॉम फ्रेंड्स, सबके मैसेज आते रहे कि अरे प्रतिज्ञा वापस से शुरू हुआ है स्टार प्लस पे. एंड इट वॉज फैबुलस टू नो दैट आज भी लोग रिपीट देख रहे हैं, एंड इट वॉज लव्ड सो मच दैट इवेंचुअली वी आर हियर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू ब्रिंगिंग season 2. नहीं एक्चुअली यू नो मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि बहुत सारे फैंस का एक कॉमन मैसेज आता था कि इतना पसंद करते हैं शो को कि हम उनको 7 times देख चुके हैं. कोई कहता था 10 times देख चुके हैं, 15 times, बिकॉज दे आर लाइक जब तक नया सीज़न नहीं आता वो फर्स्ट सीज़न को इतनी बार, मतलब हमें भी अगर कोई सीरीज़ पसंद आती है वी डोंट वॉच इट दैट मेनी टाइम्स. या वी लाइक हम एक बार देख लेते हैं मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं. तो मैं वो आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो किस लेवल का वो होगा पसंद करना उस शो को कि वो इतनी दफ़ा उससे बार बार देख रहे हैं और देखना चाहते हैं. सो आई एम ग्लैड कि अब उन्हें वो वापस से यू नो फॉर द 10th time और द 15th time अभी देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब दे गेट समथिंग न्यू, कुछ फ्रेश आ रहा है, अब वो उसे देखेंगे. एंड होपफुली फिर season 3 आएगा और उसे देखेंगे, तो ऐसे चलते रहेगा. सो there is no need to appeal to them, but yeah, I think the wait is over now. Jiska wo itne saalon se wait kar rahe the. 15th March 8:30 Monday to Friday the show is going to be there. Aur ab unko aur wait karne ki zarurat nahi, ab straight away they can watch the show. Aur appeal ki I don't think there's any need, they are anyway waiting for it. So that's it. Thank you so much. Thank you.